A few moments later. वीडियो बन रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीजे एंटरटेनमेंट ब्लॉग। हाँ जी दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ और नई आशा उमंग के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज है संडे का दिन और आज था मेरा दुकान खोलने का टाइम, तो जो मैंने आपको क्लिप दिखाया था वो दुकान खोल रही थी। अपन लोग क्या शोरूम के लिए घर से चाबी लेके आए थे, वो चाबी लाने के बाद अभी शोरूम ओपन गया और उसके बाद जस्ट आप लोगों के सामने मैं दोस्तों हाजिर हो गया हूँ। तो आज भी देख सकते दोस्तों, आज पूरा मौसम है ना पानी वाला हो रहा है। तीन चार दिन से पता नहीं मौसम कितना ख़राब हुई हो, और ख़राब हो रहा है अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है, मौसम बड़ा मस्त हो रहा है। आज ही बादल वाला माहौल है, पानी गिरने की फुल आशंका है दोस्तों। देखते पानी गिर जाएगी कि क्या होता है, जो भी होता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? हाँ जी दोस्तों, पानी का फुल मौसम हो गया, देख रहे हो हवा बहुत भयंकर चल रही है और पूरा गीला हो चुका है, पूरा कैमरे में पानी पानी हो रहा है, मुझे होले वगैरह भी गिर रहा है, बर्फ गिर रही मतलब थोड़ी थोड़ी। दोस्तों पानी तो बहुत भयंकर गिर रहा, सामने देखिए लहर आ रही पूरी और मेरे पूरे कपड़े वगैरह गीले हो गए थे थोड़ी देर की वीडियो के चक्कर में ही देख ली। सामने आप देखिए पानी कितना तेज गिर रहा है। अरे कार, और हवा भी देख सकते हैं, हवा के साथ साथ पानी भी है और दोस्तों थोड़ा थोड़ा बर्फ भी गिर रहा है मतलब ओले वगैरह। देखिए दोस्तों बाहर पानी कितनी तेज गिर रहा है और ओले भी गिर रहे हैं, तो वाइट वाइट देखिए ओले हैं। बाहर बहुत तेज चल रही है हवा। दोस्तों लंच का टाइम हो चुका था, आज है रोटी और बड़ी की सब्जी। सब्जी देखने में तो काफी अच्छी लग रही दोस्तों। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों सुबह से लेकर शाम हो गई, अंधेरा भी हो गया, रात के 8 बज रहे हैं और अभी तक फ्री नहीं हो पाए। देख रहे हैं अभी भी ट्रायल रूम में कस्टमर के कपड़े उठाते फिर रहे हैं क्योंकि कस्टमर इतनी भगेंगे सुबह से मतलब फ्री नहीं है दोस्तों। बस हवा निकल गई। हाँ जी, तो दोस्तों सो फिर से आप लोगों के सामने एक बार हाजिर होता हूँ। शोरूम बंद हो चुका है, मैं पीछे देखिए गेट भी लग चुका है, गेट खोल के रखा हुआ है। कोई गार्ड साहब गए थोड़ा सा मंडी सब्जी वगैरह लेने, वो मैं कोनू बिठाल के चले गए। उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ 10-5 मिनट में, ठीक है घूम आओ, 10 बजे तक मैं भी वैसे रुका रहता हूँ। तो वो सामान लेने गए और मेरे भैया छोड़ के चले गए। तो आज बताना चाहूँगा दोस्तों, मतलब इतना कस्टमर आए थे, बैठने तक का भी टाइम नहीं मिला और सुबह से लेकर शाम हो गई, बहुत थक चुके हैं दोस्तों। मतलब हाथ पाँव की पूरी बैंड बजी पड़ी, देख सकते हैं पूरा सेटिंग वगैरह सारा निकल चुका है। बस अब संध्या का वेट करते दोस्तों, वो घर जाके बहुत बढ़िया से आराम करें क्योंकि हाथ पाँव की पूरी बैंड बज चुकी है और ठंड तो अभी क्या बताऊँ दोस्तों, 3 दिन से ऐसा बारिश हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को कि बरसात का सीज़न चालू हो चुका है। गर्मी के दिनों में मतलब जो यहाँ गर्मी पड़नी चाहिए भयंकर, वहाँ इतनी खतरनाक ज़ोर से बारिश हो रही है और पूरा ठंड वाला माहौल हो गया है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि अभी जनवरी फरवरी चल रहा हो, तो देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का यही हाल है और देखते कब तक चलेगा, जब तक चलेगा चलेगा ही चलेगा ना, उसका आप रोक सकते प्रकृति का नहीं है। लेट सी, आता है संदीप तो उसके साथ चलते हैं दोस्तों। तो फिलहाल के लिए वीडियो को वीडियो में मतलब कंटिन्यू कर बने रहिए। हाँ
जी तो दोस्तों पहुंच चुके थे अपने अपने घर, संदीप भी अपने घर गया, मैं भी अपने घर आ गया। और फिलहाल आप लोगों से अब वीडियो में एंड होने का टाइम आ गया और आप लोगों से अलविदा होने का टाइम आ चुका है दोस्तों। तो ये वीडियो को अब मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाला नोटिफिकेशन पर जो भी वीडियो रहे सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। वो ठंड के बारे में बता देना चाहूँगा, ठंड से तो लोगों का बुरा हाल है दोस्तों। मैं भी आज रेनकोट पहन के आया। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शब्बक है। पूरा ख्याल जरूर रखिएगा अपना। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।